सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में। सो इस फ्रेश वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो एंड्रॉयड 11 है, जो अभी एंड्रॉयड 11 आने वाला है दोस्तों, वो आपको मतलब कब देखने को मिल सकता है अपने फ़ोन्स में, और वो सबसे पहले कौन से मोबाइल्स में आएगा, और ये लॉन्च कब होगा। दोस्तों जो अभी एंड्रॉयड 10 का जो लॉन्च इवेंट होने वाला है वो होगा 3 जून 2020 को होगा, मतलब 11 बजे के आसपास, ऐसा कुछ हो सकता है 11 बजे दोपहर, सॉरी सुबह टाइम में। और दोस्तों सबसे पहली बात, जो इसके जो अपडेट्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो भी बिल्ड टाइप, मतलब पहला है डेवलपर प्रीव्यू फर्स्ट, जो कि शायद फरवरी 2020 में जो कि आया था। और जो दूसरा डेवलपर प्रीव्यू 2 है वो भी ऐसे ही मार्च में, और ये डेवलपर प्रीव्यू 3 अप्रैल, और फिर उसके बाद 4 मई भी चल रहा है। फिर जून से आएगा बीटा वर्जन, जून से आएगा बीटा वर्जन, जो पहला पहला बीटा वर्जन आने वाला है तो वो होगा जून में, और दूसरा बीटा वर्जन आएगा ये एंड्रॉयड 11 का वो होगा जुलाई में, और तीसरा आएगा अगस्त में। और जिसका फाइनल बिल्ड निकाल के आएगा जो कि स्टेबल ऑस होगा, उसकी अभी डेट नहीं आई, लेकिन लिखा गया है, मतलब बताया उन लोगों ने कि जो उसके स्टेबल बिल्ड निकल के आएगा वो आएगा Q3 में, मतलब आप अगर अंदाजा लगा लो तो अक्टूबर या नवंबर टाइम में ये आ सकता है, ऐसा कुछ चांस है। और दोस्तों बात करते हैं ये फ़ोन्स में कौन 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 से फ़ोन सबसे पहले इनके अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो बात क्लियर है कि सबसे पहले इसके जो अपडेट देखने को मिलेंगे वो फ़ोन होंगे गूगल पिक्सल के। अब ये कंफर्म नहीं है गूगल पिक्सल कौन से फ़ोन में अपडेट आता है, लेकिन मुझे सिर्फ चार फ़ोन पता है, चार पांच ही फ़ोन पता है जिनमें मतलब एंड्रॉयड 11 का अपडेट आने का चांस है। तो दोस्तों सबसे पहले फ़ोन है बड़ा वही सॉरी सबसे पहले हमारा फ़ोन जो एंड्रॉयड 11 में आता है वो है गूगल पिक्सल की तरफ से फ़ोन है, मतलब जो प्रीमियम फ़ोन है उनमें एंड्रॉयड 11 का पहला अपडेट देखने को मिलेगा। और जो दूसरा फ़ोन आता है हम लोग का वो है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस आप समझ सकते हैं 8, वन प्लस 7, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और ये सब प्रो वर्जन में इनके हो सकते हैं, ठीक है। और सैमसंग के जो फ़ोन है, सैमसंग फोन एंड्रॉयड 11 के अपडेट सबसे पहले आएगा, समझ लीजिए आप, आएगा S20 Ultra में हो सकता है, S10 में हो सकता है, और यहाँ तक कि S10 हो गया मैंने बोल दिया, और S9 ऐसे जो Z Flip जितने भी सैमसंग के जो प्रीमियम टाइप के फ़ोन है उनमें आएगा। अब ऐसा है नहीं कि किसी प्रीमियम फ़ोन्स में ही आएगा, ऐसा कोई वो बात नहीं है। ये फ़ोन्स जो अपडेट आएंगे एंड्रॉयड 11 के वो सारे फ़ोन्स में आने के चांस बन सकते हैं, जो सपोर्टेबल होंगे, मतलब जो एलिजिबल होंगे अपडेट के लिए, उसमें जो पक्का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो इसका तीसरा फ़ोन है वो कौन है। अब तीसरा फ़ोन हम बात करें सबसे पहले तो जान लो कि तीसरा फ़ोन होने वाला है रेडमी का, शाओमी का जो फ़ोन्स होंगे उनमें आएगा ये फ़ोन अपडेट, चौथा जो अपडेट होगा एंड्रॉयड 11 का वो होगा फ़ोन्स में शाओमी तरफ जो आते हैं, जैसे शाओमी का मी 10 प्रो हो गया, मी A3 हो गया, और जितने भी मतलब प्रीमियम, मैंने बताया ना जितने प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं उनमें आपको इसका अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक दोस्तों। और जो हम लोग पाँचवा फ़ोन होने वाला है वो होगा मेरे ख्याल से तक रियलमी है, बहुत सारे लिस्ट में फ़ोन है, लेकिन ये एक ये पहले बिल्ड होंगे इनमें जो अपडेट निकल के आएगा एंड्रॉयड 11 का, ये जो पहले होंगे फ़ोन्स इनमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट निकल के सबसे पहले आएगा, जो मैंने बताया जैसे गूगल पिक्सल, वन प्लस, सैमसंग, शाओमी, और ये रियलमी की जो हाई परफॉर्मेंस की, जैसे बड़े बड़े फ़ोन जैसे Realme 6 Pro, अब और आएंगे, अब और तो आने के चांस है निकाल कि इसका जो बीटा वर्जन निकल के आएगा वो जून में निकल के आएगा, जो एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्जन होने वाला है वो जून में निकल के आएगा। तो रियलमी का जो फ़ोन मैं बताना चाहूँ तो Realme 6 Pro हो सकता है उसमें अपडेट आ सकता है, और जितने भी बड़े बड़े फ़ोन हैं जैसे कि आसूस का जो एक आसूस का ही फ़ोन, दो फ़ोन है जिनमें निकल के आएगा, आसूस का ROG 1 और ROG 2, इन फ़ोन में निकल के आएगा, और जो हाई परफॉर्मेंस फ़ोन है उनमें सबसे पहले अपडेट निकल के आएंगे, फिर बाद में धीमे धीमे करके आते रहेंगे। और दोस्तों एंड्रॉयड 11 का लॉन्च इवेंट होने वाला है 3 जून 2020 को 11 बजे, अगर आपको देखना है तो आप सतर्क लाइव देखने को आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। और दोस्तों आज की वीडियो में इतनी एंड करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, चलो आपको ऐसी हमारी अपडेट्स रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है डेली। चलिए दोस्तों आज के लिए तब तक लिए बाय।